हाँ फ्रेंड, ये मैंने तैयार किया है, ये वही बेसन है जो मैंने उसको फ्राई किया था, मतलब भुना था। ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल पतला भी नहीं किया कि यार इसको मोशन लग जाने, थोड़ा ठीक है। अभी मैं बच्चों को फीड कराऊंगा, आप देखिएगा कैसे फीड कराते हैं। ये इंजेक्शन है, किसी किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, और जो इसके ऊपर रबड़ लगी हुई है, यार ये वॉल की रबड़ है, ये आपको साइकिल वाले के पास से मिलेगी। साइकिल के अंदर ही हवा पड़ते हुए जो वॉल लगा होता है, ये वो वॉल है, ठीक है। और ये आपको पता होगा, अक्सर होता है कि यार कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके माँ बाप फीड नहीं कराते किसी वजह से, या उनको कोई और तोते मार रहे होते हैं। ये दो बच्चे हैं जो मेडिकल से नीचे गिर गए थे, मैंने दूसरी बार दोबारा डाला तो फिर दोबारा गिर गए। तो कोशिश ये करें यार, मटकी से कुछ होता गिर जाए, अगर एक बार डालें आप दोबारा गिर जाए तो फिर इसको वापस में डाला करें। इसका हम लोगों की वजह है जिसकी वजह से यहाँ कोई और तोते उसको मार रहे हैं, या उसके माँ बाप ही उसको मार कर निकाल रहे हैं, कैसे वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो अभी हम इंशाल्लाह उनको खुद फीड कराएंगे, आप देखिएगा कैसे फीड कराते हैं इंशाल्लाह। यार वीडियो खुद बना रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नज़र आएगा आपको। चले तो नज़र आ रहा है, देखते हैं कैसे फिर जाते हैं। इंजेक्शन पड़ा मैंने, ये बच्चे को उठाया मैंने, देखे ये इंजेक्शन हम इसके अंदर, और कोशिश किएगा थोड़ा जो है ना ये अंदर जाए, ताकि जो है ना फीड जो है इसके पेट में जाए, मुंह के जरिए वापस ना निकले, ठीक है। और कोशिश करनी है बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, तेज करेंगे तो तोते को नुकसान हो सकता है, बिल्कुल आराम से। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है जना। तो डालने के बाद ना मैदा चेक करें कि मैदा इसका पेट बढ़ गया है या और ज़रूरत है, अगर आपको लगे कि हाँ मैदा भी है कम है तो और डाल दें, मैं थोड़ा सा कोस लूँगा ताकि काफ़ी टाइम ये निकाल सके। ये इंजेक्शन वापस डाला मैंने, वापस डाला, और ये मेरे लिए शाम तक के लिए इतना काफ़ी है, ये बच्चा है। और इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको अपडेट करेंगे, और इसको आप हैंड टाइम करने के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन अब इंशाल्लाह मजबूरी है, इसको अब हैंड टाइम भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि परिंदों को दोस्त कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह इनको दोस्त बनाएंगे। दूसरे वाला है, असल में इसको मैं पहले खिला चुका हूँ, लेकिन थोड़ा कम खिलाया था ना, फिर इसको भी और खिला देते। और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि चाहे वो बजरी का तोता हो, कबूतर हो, कोई भी हो, सबसे बेस्ट फीड जो है ना वो सस्ती भी, आप बेसन ले लें, उसको वो जो मैंने आपको नीचे वीडियो दिखाई है ना, बेसन लेने के बाद उसको भून लें, भूनने के बाद पानी में थोड़ा पानी डालकर, बिल्कुल पतला भी ना हो कि इनको मोशन लग जाए, और इतना गाढ़ा भी ना हो कि इनको इंजेक्शन में डालते हुए इनको मुश्किल हो। और दूसरी बात कि डेली पानी में नहीं, दो तीन दिन के बाद इनको पानी की जगह थोड़ा दूध डाल के खिला दें, ताकि उनकी सेहत भी अच्छा होगा और जल्दी बड़े होंगे। देखिए माशाल्लाह थोड़ा फुल हो गए अभी, इंशाल्लाह अभी तक लिए काफ़ी है, अब इनको दूसरा डोज शाम को देंगे इंशाल्लाह। देखें दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।